मीरा भाईंदर में महिलाओं से संबंधित आपराधिक मामले काफी बढ़ते जा रहे हैं। ताजा मामला मीरा रोड के शांति नगर इलाके का है, जहां घरेलू हिंसा के चलते एक 22 वर्षीय महिला ने ऐसा कदम उठाया कि सब दंग रह गए और अपने उठाए गए कदम के चलते उस महिला ने अस्पताल में अपना दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि 4-5 वर्ष पहले 22 वर्षीय आसमा का निकाह सनी खान से हुआ था। शुरुआत के समय में सब ठीक चल रहा था, बाद में ससुराल वाले आसमा को मानसिक व शारीरिक तकलीफ देने लगे। ऐसी जानकारी मृतक आसमा के परिजनों ने दी है। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीमुद्दीन। सलीमुद्दीन भाई, आपको क्या, आपको कैसे मैसेज पहुंचा कि आपकी बेटी ने जहर पिया है या उसकी मृत्यु हो गई? मेरे पास तो इन्होंने रात के 10:30 कॉल की कि तुम्हारी अपनी बेटी को ले जाइए और मैं तलाक दूंगा। किसने कॉल किया? उसके आदमी ने, सनी ने। आपके दामाद ने? हाँ, दामाद ने। और इनका सारा ही घर यहाँ पे था, इनने किसी ने नहीं देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, न मालूम। रात के 10:30 फिर कहते लड़की को मैं छीन लिया हूँ, मैंने की लड़की उसको दे दो, 1.5 साल की बच्ची जो है। हाँ, 1.5 साल की बच्ची। तो मैंने की उस बच्ची को दे दो, उसको बच्ची को नहीं दे रहे, और जो कोई बात बनती है तो उसके जिम्मेदार आप बनो। कितने साल हुए थे शादी हो गए? 4-5 साल। क्या कहीं ना कहीं इनकी मांगे चलती रहती थी? मांगे चलती थी, ये कहते कभी कहते थे क्या तुमने दे दिया, मोटरसाइकिल नहीं दी, हमेशा टॉर्चर करते थे सर। इन्होंने हमारी बहन को मार डाला, अब हमारी हमारी सिस्टर, हमारी सिस्टर की जो बेटी है वो हमको चाहिए, हमें डर है उसको भी मार डालेंगे ये लोग। हम लोग मिलने के जब जाते थे और 2 दिन से हमको मिलाया भी नहीं, हमेशा परेशान करते थे उस लड़की को, तू क्यों बुलाती है। और हम लोगों ने वहाँ पे सर आए थे चौकी में स्टेटमेंट लेने, हमने उनसे भी बोला था कि हमारी बहन उनके पास जब वो अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन सर ने बोला मिल लेगी, लेकिन मिला के उसके बाद उन्होंने सर ने कोई एक्शन भी नहीं लिया। उसको मिला तो दिया बुलवा के पुलिस वालों ने, पर है ना कोई एक्शन नहीं लिया उसके खिलाफ। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूं, हम ये चाहते हैं हमारी हमारी जो बेटी है उसकी बेटी की बेटी है, हमको मिलना चाहिए और आपको नया मिले, नया मिले, इनको सजा मिलना चाहिए, ना सजा मिलनी चाहिए पूरे परिवार को, पूरे परिवार को जैसा हमने किया है इस तरह ना सजा मिले, जिस तरह हमारी बच्ची के साथ हो रहा है इस तरह इनके भी साथ होना चाहिए। उसने पुलिस गोली खा ली है, 8 दिन हो गए, 8 दिन से परेशान थी, कल ऑफ हो गई, मेरी बहन छोड़ के चली गई। भोजन भोजन तो खाया, वो कारण क्या था भोजन खाने? दोनों में झगड़ा हो गया है, उनके झगड़ा झगड़ा हो गया, मैं इन लोग नहीं करेगा, उसने दवाई खा ली है, लोग सब कुछ ना कुछ कहते रहते, उनको दी भाई काली, इनको पता थी मेरी बहन ने रात के 11 बजे से दवाई खाई है, तो कह रही है जैसे खाई है वैसे भरेगी, मैं नहीं लेके जाऊंगी, मेरे पास 5 रुपए नहीं है लुटाने के लिए। मेरी बहन आ गई तब लेके गई, उनको भी नहीं पता था कि उसने दवाई खा ली है, सुबह पता चला है कि हाँ वो दवाई खा ली है। आपको बता दें कि बीते 16 मई को भी आसमा और उसके पति सनी के बीच बहस हुई थी, जिसके बाद ससुराल वालों से परेशान आसमा ने अपनी जिंदगी खत्म करने का पूरा इरादा बनाया और कुछ दवाइयां खा ली, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं उसके ससुराल वाले उसकी हालत देखकर भी उसे अस्पताल नहीं ले जा रहे थे, जिसके बाद आसमा की बहन उसे अस्पताल ले गई, जहां 2 अस्पताल बदलने के बाद भी वह नहीं बच सकी, जिससे उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं आसमा के परिजनों ने बताया कि उसके ससुराल वाले उससे पैसों की भी मांग किया करते थे। हॉस्पिटल लेकर गए तो क्या स्थिति थी उसकी? स्थिति उसकी थोड़ी ठीक थी, और हमने इनके घर वालों को फोन करके भी बोला था कि उसको हॉस्पिटल वालों ने इंदिरा गांधी में मना किया, हम लोग कहाँ लेके जाए, तो ये लोग बोले जैसा किया वैसा खुद भरेगी। ओके, फिर हम लोग वहाँ लेके गए उसको। जहर इसने पिया ससुराल में पिया है कि माँ के घर? ससुराल में पिया है, ससुराल में पिया। कहीं ना कहीं इनके आपसी विवाद में कहीं ना कहीं ये हमेशा चलते थे। हाँ, इनके हमेशा चलते थे। फिर अभी उसकी मृत्यु हो गई। आप क्या न्याय चाहती हैं? हम कुछ नहीं चाहते, सब चाहते हैं वो बच्ची दे दे इनकी, उसको जो हमारी बेटी दे दे हमको, जो जिसने जिसकी वजह से मरी उनको सजा मिले। वहीं इस मामले में मीरा रोड पुलिस ने मृतक आसमा के पति सनी खान, सास व नंदो के खिलाफ दहेज प्रताड़ना को लेकर मामला दर्ज किया है। हालांकि पुलिस ने FIR तब दर्ज की जब आसमा का इलाज चल रहा था।
फिलहाल उसकी मौत हो चुकी है और उसकी मौत के जिम्मेदार कौन है यह पुलिस जांच में ही पता कर लेगी। अब देखना होगा कि इस मामले में आरोपी कब तक सलाखों के पीछे पहुंचते हैं। मीरा रोड से तारिक शेख की एक रिपोर्ट।